रहमतुल्लाहि व व कफा बाद मोहतरम नाज़रीन नाजरी आज की रिशिस्त का मौजू है बीवी का भी हक है आजकल क्या हो रहा है कुछ मर्दों को देखिए वो सिर्फ अपने हक़ की बात करते हैं अरे भाई बीवी का भी हक है माँ बाप का भी हक है बाल बच्चों का भी हक है अपना भी हक है बीवी का भी हक है सबका भी हक है और जब तक वो हक अदा नहीं करेंगे उसमें कोताही हो जाएगी तो मसला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा एक सहाबी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था सर दाऊद किताब उन हदीस नंबर टू वन फोर टू माविया कोशरी रजील्ला नबीलासलम के पास आ और कहा मा हक को जव जत अहदेना आलही अल्लाह के रसूल रसूलम यह बतलाइए हम में से किसी आदमी का उसकी बीवी के लिए क्या हक है यानी बीवी का क्या हक अदा करें तो नबी फरमाए सल फरमायांत एजाब तयता जब खाना तो बीवी को भी खिलाना बीवी के मुंह में अगर हम और आप एक लुकमा डालते हैं तो वो भी सबका है कभी प्रैक्टिस करके देखिए मोहब्बत बढ़ जाएगी और बीवी को जो पानी पिलाते हैं वो भी सतका है हम और आप उल्टा ही पानी मांगते हैं पानी ला खाना ला खाना लेकिन मेरे भाइयों उसके मुंह में अगर एक लुकमा डालेंगे मोहब्बत बढ़ जाएगी मोहब्बत पैदा करने के जो जरिए हैं कुरान और हदीस में उस पर अमल करना बहुत जरूरी है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया जब खाओ तो बीवी को भी खिलाओ बहुत सारे लोग क्या करते हैं बाहर खूब मुर्ग मुसल्म तोड़ रहे हैं और घर के अंदर क्या चल रहा है अरे भाई ज़रा घर के लिए भी लेके जाने का ना पार्सल और सल पूछ लेने का क्या लेके आऊं उसके बाद नबी सल्लल्लाहु सल्ला ने फरमाया व तकसुआ सूआत तहता जब पहनना तो बीवी को भी पहनाना माशाल्लाह खुद अपना खूब सूट बूट बना रहे हैं और बोले नहीं तू तो घर के अंदर ही रहती सब चलेगा लेकिन अलहमदिल्ला दूसरा भी तरीका है घर में दस जोड़ी रखे होंगे वो पहनती नहीं क्योंकि शादी ब्याह जाना है तभी पहनेगी सोलह सिंगार करके जाएगी घर में वही प्याज और लहसुन वाला पहन के रहेगी फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला तजरबील वजह चेहरे पर मत मारना याद रखिएगा वो शोहर अच्छा नहीं है जो अपनी बीवी को मारता है और चेहरे पर मारने वाला तो और बुरा है फिर उसके बाद का वला तो कब् बुरा भला मत कहना बुरा भला कैसे लोग बोल तू ऐसी है तेरा बाप ऐसा तेरी माँ ऐसी तेरा खानदान ऐसा किस पगली को उठा के ले आया हूं बोलते कि नहीं बोलते अच्छा ताकत ज्यादा जमा रहे हैं वो बेचारी कमजोर है उस पर जमा रहे अपने से ज्यादा ताकतवर पर जमाइए तो पता चलेगा तो भी बोल सकती है किस पगला के सर अब्बा ने लगा दिया अम्मी ने लगा दिया कहाँ चले आए फंस गई मेरा घर बड़ा अच्छा था बुरा भला नहीं बोलने का अगर शादी हो गई तो अपने कान को सुनते सुनते सुन बना लीजिए आप बोलिए हमने सुनना सही है कि नहीं बुरा भला नहीं बोलने का उल्टी खोपड़ी की बोलते ना सीधा कर दूंगा सीधी कभी नहीं होगी आपको टेढ़ा कर देगी याद रखेगा फिर उसके बाद कहा तहजुर इल्ला फिर बैत घर के अलावा मत छोड़ना जहां थोड़ा मसला वह चल भाग जा चल निकल घर से देखने का नहीं या खुद ही भाग जाते हैं क्यों ऐसा भाई ना खुद भागना है ना उनको भागाना है वहीं रहिए फिर तो देखेंगे अल्लाह मोहब्बत पैदा कर देंगे तो बीवी का भी हक है सिर्फ अपना ही हक नहीं और अपने ही हक के चक्कर में न रहने का एक तो बेचारी सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके घर आई है अपने घर वालों को छोड़ दिया माँ बाप को छोड़ दिया आपके लिए तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। करना चाहिए कोशिश करना है बात करनी है बैठे रहना है ये चंद बातें थी अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम लोगों को सब लोगों के हक हाँ अदा करने की तोफीक आमीन और वरह व ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें